देश दुनिया का प्रतिष्ठित ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में इस वर्ष धूमधाम से श्री राम अखंड संकीर्तन की वर्षगांठ मनाई जा रही है। चैत्र नव दुर्गा में 9 दिन तक शाला में अखंड राम नाम संकीर्तन की परंपरा रही है। पिछले 2 वर्षों में ये परंपरा टूटती दिखी, लेकिन शाला में महंत पूर्ण बैराठी पीठाधीश्वर स्वामी राम सेवक दास जी की संकल्प शक्ति से ये परंपरा टूटी नहीं। दिव्यांग युवाओं को शाला में बुलाया गया। 13 अप्रैल 2021 गुड़ी पड़वा से अखंड श्री राम नाम संकीर्तन शुरू किया गया। पहले तो इसे 9 दिन ही करने का विचार था, लेकिन बाद में ये अवधि बढ़ाई गई और इसको 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। नव संवत्सर एवं नव दुर्गा महोत्सव घट स्थापना के साथ माँ दुर्गा का अभिषेक किया जा रहा है। इसके साथ ही अखंड ज्योति प्रज्वलित की जा रही है। वहीं नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक विशेष पूजन अनुष्ठान चलेंगे। बोल सियावल राम कृष्ण देव की जय। 1857 में रानी का जो स्वतंत्र संग्राम जो हुआ भारत का, उस समय भी बड़ी शाला ने राजसित के लिए 745 साधु शहीद हुए, और इस महामारी कोरोना काल में इन विकलांगों का कोई सहारा नहीं हुआ, तब इनके सहारे के लिए बड़ी शाला सहारा बनी। खाने पीने की खाने पीने का, रहने का और भोजन विवाद सब व्यवस्था कर रही किया, और उनको पढ़ाई के लिए मानदेय भी उनको दिया जा रहा है। तो एक साल पहले कीर्तन हुआ। ग्वालियर के लिए बड़े भाग्यशाली की है, लोग हैं कि आज एक साल से यहाँ कीर्तन चल रहा है ग्वालियर में बड़ी शाला स्थान में। तो बड़े ये गर्व की बात है कि ग्वालियर में एक साल शुरू हुआ। दूसरी बात, कल हमारे गणेश पूजन होगा और पंचांग पूजन भी है, सन संबद्ध बदलेगा तो, और माता जी के घट स्थापना होगी, माता जी का अभिषेक होगा, नवरात्रि का प्रारंभ होगा, 1 दिन माता जागरण रखा जाएगा। रामनवमी को हमारे गोपाल शास्त्री जी हैं, उनकी कथा होगी, उनके मुखारविंद से कथा, उसके बाद जन्मोत्सव 12 बजे मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो एक साल पूर्व आए थे और उन्होंने हमको कहा कि महाराज जी एक ऐसा प्रारंभ किया जाए जो अखंड चलता रहे। तो उनकी प्रेरणा से ऐसा अखंड नाम कीर्तन जो शुरू किया है, उनकी प्रेरणा हुई तो हमने ये, इस बीच में बच्चे भी आ गए, तो ये कीर्तन उसी समय से शुरू किया। और ग्वालियर के लिए तो बड़ी ये एक धरोहर समझे कि कीर्तन एक उनके लिए बात क्या है, वातावरण में तो होता ही है, वायुमंडल में जो वाइब्रेशन की जो जाता है उससे शुद्धता होती है, हवन कीर्तन भागवत रामायण इन्हीं से वायुमंडल शुद्ध होता है। तो इससे ग्वालियरवासी भी बड़े सुखीन पा रहे हैं, आज के कोरोना काल भी खत्म हो रहा है, उस उद्देश्य पूरा हो रहा है। बस यही कहेंगे, जय श्री राम। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।